हमारी बिरादरी इल्म से पीछे है, तो हमको दिल में जज्बा हुआ हमारे कि हमारी कौम को हम आगे बढ़ाए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए। हम हाफिज बना रहे बच्चों को, कोई ये चाह रहे कि कलेक्टर रहना, डॉक्टर है, डॉक्टर रहना, अच्छे अच्छी पोस्ट पर हमारे बच्चे जाए, ये हमारी तमन्ना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक में तमाम कामयाबी है, इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतने ही बात कहूँगा कि आने वाले दौर के लिए हमें इल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। अध्यक्ष बनाया गया, हमारे यूसुफ साहब और सर साहब बैठे हुए हैं, ये युवा के हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के, ये भी अभी सुफियान भाई, और हम एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे ज़िले के अंदर हमने दौरा करे, एजुकेशन के बारे में हम बात करें, हमारी जो आने वाली नस्ल रहेंगी, आने वाले हमारे जो मासूम बच्चे रहेंगे, ये मासूम बच्चे दीन के दाई बनेंगे, और हर ऑफिस के अंदर कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर बनने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। आज तक बिरादरी हमारी पीछे रही, अब हमारा जज्बा है नौजवानों का, बच्चों का, हमारे पूरी बिरादरी का, और हमारे मुस्लिम भाई भाइयों का भी जज्बा है कि हर कौम हमारे आगे रहेंगे, मुसलमान भाई भाई भी आगे रहेंगे और हमारी बिरादरी भी आगे रहेंगी इंशाल्लाह। ये हमारा जज्बा है, कुरैश बिरादरी हमारी, कुरैश बिरादरी सबसे आगे रहेंगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में कुरैश बिरादरी का एक झंडा लहराएंगा, पूरे दुनिया के अंदर लहराएंगे, दुनिया में, पूरे महाराष्ट्र में काम करेंगे हम, और उसके बाद में अपने मुस्लिम भाई भी जो पीछे इल्म से अल्लाह इंशाल्लाह उनको भी आगे लेंगे, हम सबके लिए काम करेंगे, और सब अपने भाई लोग जितने भी है एजुकेशन पे हम गौरव फिक्र कर रहे हैं। हाजी साहब मेरा एक सवाल है आपसे, कुरैशी बिरादर के लिए जो है तो आपने क्या दिली ख्वाहिश है ऐसी जो आप जो है तो कुरैशी बिरादर को जो है कुछ बनाना कुछ चाहेंगे? मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये काम, मैं तो पहले से करता रहा हूँ, राष्ट्रवादी में मैं 8-10 साल रहा, कांग्रेस में 10 साल हुए हैं, मगर मैं सब देखा, मैंने पूरी पार्टी में रह के देखा। अब मेरी बिरादरी का मुझे काम कर रहे हैं, मेरे को बिरादरी ने चुना है, हमारे अयूब साहब ने दिल्ली के, हमारे सिराजुद्दीन साहब ऑल इंडिया के सदर है, उन्होंने भी हमारी बात रखे, ईसा कुरैशी को पहले बनाया गया था, मगर कुछ दिनों वो हो गया, हमारे से हादसा हो गया, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि कौम को हमको आगे बढ़ाना है। अब हमने देखे हमारे बच्चे हाफिज बन रहे, आलिम बन रहे, कुछ बच्चे हम देख रहे, हमारे परसों हमारे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जज आए थे, हमारे कुरैश बिरादरी के जज हैं, उनके अब्बा वो थे SP थे, उनके वाली साहब, और हमारे नागपुर में अकोले में हमारे लोग मिलेंगे आपको, डॉक्टर मिलेंगे, हमारी बच्चे ही मिली, डॉक्टर नहीं मिलेगी, और अजय उस पर इंजीनियर है, कलेक्टर है, हमारे बिरादरी में है लोग पढ़े हुए, मगर हमने महाराष्ट्र में नहीं है, बिदरगा में है, कुछ पूना में भी है, कुछ बॉम्बे में भी है, मगर वो बिदारी हमारे पीछे है लोग, हम जैसा औरबाद में हमारा बहुत कम है पढ़े इल्म के बारे में, तो हमने सोचे हम जाए गए हम प्रोग्रामों में, हमारी बिरादरी आगे मिले मिले, खाली हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारी बिरादरी इल्म से पीछे है, तो हमको दिल में जज्बा हुआ हमारे कि हमारी कौम को हम आगे बढ़ाए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, हम हाफिज़ बना रहे बच्चों को, कोई बच्चे हाफिज़ है, बहुत हाफिज़ है हमारे औरंगाबाद के अंदर बच्चे, मगर हम बना रहे, हम ये चाह रहे कि कलेक्टर रहना, डॉक्टर डॉक्टर रहना, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हमारे बच्चे जाए, ये हमारी तमन्ना है। हम जो है पूरे महाराष्ट्र स्टेट में युवाओं की जो है एक नई एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहे हैं, जो युवा हमारे आज जो युवा जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स है, वकील है, काफ़ी सारे यूथ जो है ये बिरादरी के अंदर काफ़ी सारे बहुत सारे लोग जो है वेल एजुकेटेड है और जो बिरादरी से काफ़ी दूर थे, तो यूथ विंग के ज़रिए से हम लोग उनको बिरादरी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यूथ विंग एक महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सेंसस कराने वाली है कुरैश कम्युनिटी का,
जो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उसकी पूरा डाटा जो है हम लोग कलेक्ट करके जो युवा जो पढ़े लिखे हैं और जो कुछ वजहात की वजह से जो नहीं पढ़ सक रहे आगे नहीं बढ़ सक रहे उनको हम लोग ताकत देने का काम उनको मदद करने का काम इंशाल्लाह यूथ की विंग्स करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम अबू सुफियान कुरैशी है, मैं महाराष्ट्र स्टेट यूथ प्रेसिडेंट। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुरैश बिरादरी में एजुकेशन की अभी भी इतनी कमी है, पहले जितनी थी, वो ऐसा नया कदम उठाने वाले स्कूल वगैरह बच्चों के लिए। हाँ हाँ, हमारी जो है इस वक्त में जो है अब जो नया नज्म आने वाला है इसमें हमारा पूरा फोकस जो है एजुकेशन पर है। एजुकेशन के ऊपर जितना ज़्यादा तवज्जो देना है, तमाम बिरादरान जैसा कि आजकल इल्म की वजह से तमाम लोग परेशान हाल हैं, इल्म अगर हो तो तालीम ही से बनती है इंसान की हयात, इंसान जिंदा लाश है, तालीम के बगैर पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शमा जेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। तो तालीम का हम जो है ना अब यहाँ से जो है तालीम का हमारा रद्दअमल पूरी तरह से फोकस रहेगा। तमाम बिरादरान के जितने भी हमारे शहर हो, जिला हो, तालुका हो या मौजा हो या गली हो, गली से लेकर दिल्ली तक हमारा तालीम के ताल्लुक से बहुत कुछ हमारा तमाम लोगों का एक एक मशवरा है, एक मिशन को लेकर हम भी जो है आने वाले दिनों के अंदर 10 साल के अंदर तालीम के अंदर हमारी बिरादरी में भी एजुकेटेड लोग हों, वकील जैसे भी जो भी बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हों, ऐसी हमारी आने वाले दिनों में तजवीज़ है। और हाजी जो है कलेक्टर हो या PSI हो या SP IAC हो, MG हो, जो भी हो, तालीम के अंदर जितना मियार बुलंद होगा आज तालीम पर ही सब कुछ है। तो मैं बिरादराने हमारे कुरैश से इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने बच्चों को कम खाएँ मगर तालीम के लिए ख़ास तौर से तवज्जो दे और तालीम पर ज़ोर लगाकर अपने बच्चों को आला तालीम आला मियारी तालीम देंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी जो है कोई वकील, इंजीनियर और बड़े बड़े अहदे पर हमारे बच्चे भी नज़र आएंगे। वैसा आज के दिन को है मगर एक आधा है, उसकी कोई तजवीज़ नहीं है। जैसा कि आप बताया कि भाई आने वाले दौर में हम 10 साल के अंदर ऐसा देखना चाहते हैं कि हर वो गली कोड में हमारा भी बच्चा जो है इंजीनियर, वकील, जो भी आला पोस्ट हैं, इस पोस्ट पर डॉक्टर वगैरह जो भी पोस्ट हैं, ये तकरीबन हमारी बिरादरी उसके ऊपर मेहनत करेगी और मेहनत करके हम आने वाले दिन असल के हमारी नस्ल को आने वाली नस्लों को तकरीबन तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करेंगे और सबको जो है इल्म के महवर से कामयाब व कामरान करेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए और इल्म के जेवर से आरास्ता बनाए। ये इल्म की ही वजह से तमाम अल्लाह ताला इसलिए इत्तेहाद की दौलत से हमें मालामाल करे और इत्तेहाद और इत्तेफाक में ही तमाम कामयाबी है, इत्तेहाद और इत्तेफाक में ही तमाम कामयाबी है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतने बात कहूँगा कि आने वाले दौर के लिए हमें इल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। हमारे निसार भाई बैठे हैं, इनका नासिर भाई, मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब हाजी महमूद साहब कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। औरंगाबाद के तमाम बाशिंदों से, यहाँ के रहने वालों से गुजारिश है कि औरंगाबाद अपडेट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। औरंगाबाद अपडेट्स जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।